लोगों को एक कहानी सुनाए, एक छोटी सी कहानी। हर जोर जुल्म की चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मेरी जो समझ है किसी इशू पे, मेरी जो समझ बनी है, जो हमारे ग्रुप की जो समझ बनी है, उस समझ को अपनी ऑडियंस के सामने रखने में मुझे किसी किस्म की झिझक नहीं होती। मैं ये पोजीशन लेके नहीं चलता कि जी मुझे क्या इख्तियार है ऑडियंस को जाके कोई बात समझाने का। अगर कोई बात मेरी समझ में आ गई है, प्रोसेस से समझ में आई है, उसको और भी बहुत से पैमाने हैं उस समझ को नापने के, उसको ऑडियंस के सामने, इट इज़ फॉर द ऑडियंस टू एक्सेप्ट इट और टू रिजेक्ट इट। हम कोई ऑडियंस के सर के गरीबान पकड़ के तो नहीं खड़े जाते भाई मान हमारी बात। लाइन जो है वो हर चीज़ के ऊपर, एक ग्रुप की अपनी एक लाइन होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है। हम what do we think of the education system, for example? Now that line, in a simplistic script, it will come in the form of a slogan or a speech at the end of it. In a slightly more advanced script, maybe it will be woven into the entire structure. और ये इस चीज़ पर भी निर्भर कर, इस चीज़ पर भी मुनसर है ये कि वो ग्रुप जो है वो, while they are writing the script, how many good ideas do they get, how much work they put into it, and how creative the group is. ये तमाम चीज़ तो इसका कोई स्कीमेटिक्स का जवाब नहीं दिया जा सकता कि अपनी लाइन आप किस तरह से देते हैं। हाँ, अगर डिवाइसेस का सवाल है तो एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि गाने को एक डिवाइस की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वक्त की आवाज है, मिलके चलो, ये जिंदगी का राज है, मिलके चलो, ये वक्त की आवाज है, मिलके चलो, ये जिंदगी का राज है, मिलके चलो। कोरस को एक डिवाइस की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कोरस के अंदर एक लाइन बोलना, एक प्रोज का एक पैसेज बोलना कोरस के अंदर, उसके कई तरीके से किया जाता है। एक आदमी बोलता है, बहुत से आदमी रिपीट करते हैं, बहुत से आदमी एक ही जुमले को एक साथ बोलते हैं, बहुत से आदमी एक ही जुमले को एक साथ बोलते हैं लेकिन अलग अलग स्केल्स पे बोलते हैं, तो एक आप एक सिंफोनिक सा उसका एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। लाइन देने का जहाँ तक सवाल है, वो मेरे ख्याल में लाइन जो है, जिसको कि हम पूरी समझदारी कहते हैं, सोच जो है उस नाटक के अंदर, वो पूरे प्ले के स्ट्रक्चर के अंदर इनहेरेंट होती है। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा नाटक दिखाया कि भाई ये तो हमने आपको एंटरटेन कर दिया, हमने कुछ मटक लिए, कुछ नाच लिए, और अब आप सुनिए हमारा अगली मकसद, और एक नारे की शक्ल में या गाने की शक्ल में या एक भाषण की शक्ल में दे दिया। ऐसा नहीं होता। लाइन जो है वो पूरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उसको नाटक के स्क्रिप्ट में इन रिलेशन टू द सब्जेक्ट वो रिफ्लेक्ट होती है। एक सब्जेक्ट के ऊपर तरह तरह की स्क्रिप्ट लिखी जा सकती है। एक ही सवाल के ऊपर, मसलन बेरोजगारी का सवाल है, उसके ऊपर मैं समझता हूँ बहुत तरह की स्क्रिप्ट लिखी जा सकती है। हर किस्म के एक्सपीरियंस से एक नई स्क्रिप्ट निकल के आएगी, और हर शख्स जो उस पर उस सब्जेक्ट पर लिखने की कोशिश करेगा वो शायद एक नए तरह की एक स्क्रिप्ट लिखेगा। मेरे मुंह से निकली बात पत्थर की लिखी है, कह दिया तेरे लिए काम नहीं है तो नहीं है। अपनी इन सदियों पुरानी बेड़ियों को तोड़ दे, आ चुका है वक्त अब इस पार या उस पार का, राज जाहिर हो चुका है असली जिम्मेदार का, 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 हजार जुल्म की टक्कर में संघर्ष